पिछले 9 अगस्त की रात पश्चिम बंगाल के कोलकाता के राधा गोविंद कर अर्थात आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में ड्यूटी के दौरान घटी घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। ड्यूटी के दौरान ही एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ न केवल दुष्कर्म किया गया बल्कि बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के प्रतिवाद में कोलकाता की सड़कों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अमेरिका की सड़कों तक लोगों ने उतरकर अपना विरोध जताया और दोषियों के विरुद्ध फांसी की मांग की। आरजीकर अस्पताल की घटना के प्रतिवाद में राज्य के विधानसभा से लेकर लोकसभा और राज्यसभा के सदन तक विरोध के स्वर सुनाई दिए। स्वयं प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतरकर अभियुक्तों के विरुद्ध फांसी की मांग पर नारे लगाए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के प्रतिवाद में अभी भी कोलकाता के सड़कों पर वी वांट जस्टिस और अभियुक्तों को फांसी देने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच वारदात के 25वें दिन राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार ने दुष्कर्म के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान लाते हुए बिल पेश की है। विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी की उपस्थिति में बिल पेश किया गया। इसके तहत दोषी को फांसी और पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले को 5 साल की जेल का प्रावधान लाया गया है। भारतीय कानून के तहत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों के अनुसार यह बिल पेश किया गया। मंगलवार को अपराजिता नामक इस विधेयक को विधानसभा सदन में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने पेश किया। अपराजिता के नाम से इस बिल में कई महत्वपूर्ण सजा के प्रावधान जोड़े गए हैं। विधेयक में अधिकतम सजा के साथ तुरंत कार्रवाई करने के लिए 21 दिनों की समय सीमा तय की गई है और यदि आवश्यकता हुई तो और 15 दिनों की समय सीमा दी जाएगी। इसके बाद भी अगर कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में विफल हुए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के भी प्रावधान दिए गए हैं। मंगलवार को इस विधेयक पर 2 घंटे तक चर्चा हुई। विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी भी अपने विधायकों के साथ मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी ने बिल का समर्थन किया और कहा कि केवल बिल पास करने से नहीं होगा, इसे तुरंत कानून का रूप देने का दायित्व तो भी राज्य सरकार का है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फांसी की सजा तो पहले भी थी और राज्य में दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा भी मिली है। शुभेंदु अधिकारी ने धनंजय के फांसी के प्रसंग को भी सदन में लाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए इसमें कई सुझाव भी सदन को दिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बिल पेश के समय सदन में उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिल से जुड़े सवालों का जवाब भी सदन को दिया। इतना ही नहीं, अपराजिता नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस प्रावधान में उस बात को प्रमुखता के साथ पेश किया गया है कि दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता के पहचान को उजागर करने वालों को 3 साल से 5 साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर दुष्कर्म का किसी भी तरह से किसी भी अपराध का मामला अदालत में चल रहा है तो उससे संबंधित जानकारियां बिना अनुमति के सार्वजनिक करने वालों के खिलाफ भी 3 साल से 5 साल तक की कैद और जुर्माना निर्धारित किया गया है। इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 का नाम दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 के बिल को सदन में पेश करने के दौरान सभी विधायकों ने अपने अपने विचार रखे। इस बिल के तहत लाए गए कानून में जो प्रमुख बातें हैं, आइए संक्षिप्त में एक बार नजर डालते हैं। अनुच्छेद 64 के तहत बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 66 में दुष्कर्म के बाद पीड़िता की मृत्यु या कोमा में जाने पर मृत्यु दंड और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 70 में सामूहिक दुष्कर्म पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 70 और 73 में पीड़िता की पहचान का खुलासा करने पर मामले में बिना अनुमति के मुकदमे की कार्रवाई के विवरण के खुलासे पर 3 से 5 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 65 में 16 वर्ष से कम उम्र की युवती से दुष्कर्म पर न्यूनतम 20 वर्ष की कैद या कठोर कारावास की सजा और जुर्माने से दंडनीय अपराध का प्रावधान किया गया है। वहीं 12 साल से कम उम्र की बालिका से दुष्कर्म पर कम से कम 20 वर्ष की कैद या आजीवन कारावास और जुर्माना या मौत की सजा दी जाएगी।
अनुच्छेद 65(2) के तहत 18 वर्ष से कम की युवती होने पर आजीवन कारावास, जुर्माना और मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके घर को दीजिए सबसे मजबूत फाउंडेशन। दीजिए मजबूती का डोज JBG Hexa TMT, मजबूती का डोज पक्का है।